कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हमास की ओर से इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, जवाब में इसराइल की ओर से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। यह सब फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी गाजा पट्टी में हो रहा है। एयर स्ट्राइक में गाजा स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब तबाह हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, इसमें 61 बच्चे शामिल हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों में जहां थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं मौत के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 4529 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज़्यादा है। वहीं इस दौरान 267,334 नए मामले सामने आए हैं। देश में अभी भी 32,26,719 कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बुधवार को ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर रहे। इससे पहले मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 92.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 83.51 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। तेल विपणन कंपनियों ने 4 मई से अब तक 10 दिन में कीमतों में वृद्धि की है, जबकि 6 दिन दाम स्थिर रखे थे। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 2.45 रुपये और डीजल 2.78 रुपये महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज गुजरात तथा दीव के दौरे पर आए हैं। मोदी चक्रवाती तूफान के कारण हुए जानमाल के नुकसान का जायजा लेने के बाद अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। मोदी बुधवार को सबसे पहले भावनगर पहुंचे। यहां से उन्होंने ऊना, दीव, जाफराबाद और मुवा जैसे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कांग्रेस ने टूलकिट मामले में भारतीय जनता पार्टी पर सोशल मीडिया पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा के इन नेताओं ने कांग्रेस के फर्जी लेटर हेड का सहारा लेकर फर्जी टूलकिट के माध्यम से सोशल मीडिया पर तनाव फैलाया है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दैनिक आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय DCGA के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च के मुकाबले अप्रैल में घरेलू मार्गों पर यात्रियों की संख्या 26.81% घटकर 57.25 लाख रह गई। यह आंकड़ा अक्टूबर 2020 के बाद सबसे कम है। इस साल मार्च में 78.22 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। कोरोना से इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन संसाधन धूल फांक रहे हैं। घटना दरभंगा की है। यहाँ PM केयर्स फंड से मिले 25 वेंटिलेटर अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं, जबकि वेंटिलेटर के अभाव में कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल के लिए तकरीबन 9 महीने पहले DMCH को PM केयर्स फंड के जरिए जो ICU सेटअप समेत 25 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन इनका इस्तेमाल अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को उनकी जयंती पर भावपूर्ण नमन किया है। श्री नायडू ने बुधवार को यहाँ जारी एक संदेश में कहा कि श्री रेड्डी ने जीवन भर उच्च मानक और गरिमा को बनाए रखा। वह एक योग्य प्रशासक थे। श्री नायडू ने कहा, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूँ। आपका यशस्वी सार्वजनिक जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं में आपकी अगाध निष्ठा भावी पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।
भारत में जारी वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी है और बीते दिनों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा फॉर्मूला सुझा चुके हैं। वैक्सीन को लेकर गडकरी ने कहा कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई में दिक्कत आती है। कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में अपना असर दिखा रही है, वहीं तीसरी लहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ गई है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया था और भारत सरकार से एक्शन की अपील की थी। कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में अपना असर दिखा रही है, वहीं तीसरी लहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ गई है। इस बात पर सिंगापुर सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।